आज प्रदेश के अंदर युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, ये देश में दूसरी आजादी की लड़ाई है और इस दूसरी आजादी की लड़ाई में जो सामाजिक आर्थिक बराबरी की लड़ाई है, अपना दल पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि मंडल कमीशन को लागू हुए 22 साल होने के बावजूद आज क्या वंचित सरकारी नौकरियों में ओबीसी केवल 4.7% की भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है और दलितों को आरक्षण की व्यवस्था मिले हुए 60 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन उनकी भी क्लास 1 की नौकरियों में भागीदारी और प्रतिनिधित्व केवल 12% तक पहुँच पाया है। यदि इसी गति से आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया सत्ता के केंद्र में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों द्वारा चलती रही तो ओबीसी को अपना 27% का कोटा पूरा करने में अगले 75 वर्ष लग जाएंगे और SC ST को अपना 22.5% का कोटा पूरा करने में अगले 60 वर्ष और लगेंगे। इसलिए इन युवा आंदोलनकारियों की मांगों का मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि अपना दल सामाजिक बराबरी, सामाजिक समरसता की बात करता है और साथ ही हम ये मांग करते हैं कि जो अमूमन देखने आया है कि रिटन यानी लिखित परीक्षा में ओबीसी और SC ST के जो छात्र अच्छे अंक पाते हैं वो इंटरव्यू में कम नंबर पाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कोई पक्षपात अवश्य झलकता है। इसलिए जो इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाए वो मल्टी कम्युनिटी बोर्ड हो, उसमें अल्पसंख्यक SC ST ओबीसी और सामान्य सभी वर्ग के हमारे बोर्ड मेंबर शामिल हो, जिससे हमारे छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके और हमारे जो भी OBC SC ST के छात्र जो भी अहर्ता रखी गई है, कट ऑफ अंक रखे गए हैं जनरल लिस्ट के, अगर उससे ऊपर के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें जनरल लिस्ट में शामिल किया जाए। अपना दल पूरी तरीके से आंदोलनकारी युवाओं के साथ है, क्योंकि एक नए युवा ये हमारे सामने।